दोस्तों, आज हम राजस्व महाअभियान 3.0 में किसान सम्मान निधि से वंचित जो किसान रह गए हैं, उन वो सभी किसान अब नए आवेदन कर सकते हैं। नए आवेदन शुरू हो चुके हैं। पीएम किसान, सीएम किसान आवेदन कैसे करें? दिसंबर में आप सभी को मिलेगी 19वीं किस्त। दिसंबर में जो 19वीं किस्त मिलने वाली, वो सभी किसानों को मिलेगी जिसने अब नया आवेदन जो कर रहा है। तो किस प्रकार से करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने का आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और आज आपको बताने हैं राजस्व महाअभियान में जो आप पीएम किसान का आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व विभाग की प्रक्रिया हो रही है आसान। नागरिकों को मिल रहा है त्वरित समाधान। राजस्व अभियान 3.0 महाअभियान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक यह अभियान चलने वाला है। जैसे कि राजस्व अभियान और राजस्व अभियान 2, राजस्व अभियान 3, ये सभी अभियान चले थे जो कि यहाँ पर आप 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा अभियान का संचालन हो रहा है। राजस्व जुड़ी सेवाओं में प्रकरणों का हो रहा। आप अगर आपका राजस्व विभाग में कोई प्रकरण है तो उसका भी समाधान हो जाएगा। एक बार आप फिर से उस समस्या के हेतु आवेदन दीजिए। आपका जो ग्राम पटवारी, वो पटवारी आपको पंचायत में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिले तो उसे कॉल करके संपर्क कर लीजिए, आपको सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात रही कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां हम क्या क्या इसमें करवा सकते हैं राजस्व अभियान के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। राजस्व न्यायालय में अब समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण होगा। अगर आपका राजस्व न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है तो उसका जो समय सीमा है, यानी कि 15 दिन, 20 दिन, उसमें आपका निराकरण होगा। भूमि का सीमांकन, अगर आपका आवेदन हुआ है तो भूमि का सीमांकन होगा। नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज, अगर जैसे आपने कोई नया है और वो आपको ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो वो भी आपको ऑनलाइन दिखने लगेगा। उसके बाद फोती नामांतरण के प्रकरणों का चिन्हांकन होगा। समग्र का आधार ईकेवाईसी होगा। खसरे की समग्र आधार से लिंक होगा। अगर आपने समग्र ईकेवाईसी नहीं की है, आधार को खसरे से लिंक नहीं किया, समग्र को खसरे से लिंक नहीं किया, तो जरूर से करवा लें। और फार्मर आईडी दिसंबर तक बनेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी, ठीक है। फार्मर आईडी आप जरूर से बनवा लें। उसके बाद नक्शे पर तरमीम होगा, ग्रामों में बीवन का वाचन होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र कृषकों की ईकेवाईसी। और अगर आप पात्र हैं और आपका फॉर्म नहीं डला है तो आप इसमें नया आवेदन जो है वो पटवारी के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से करवा सकते हैं। तो जाकर ये अपना आवेदन जरूर करवाए। आपको पूरी प्रोसेस यहाँ से बता दी गई है। राजस्व विभाग से संबंधित अन्य प्रकरणों व समस्याओं का भी निराकरण यहाँ पर हो जाएगा। अगर राजस्व विभाग से संबंधित अन्य कोई समस्या या प्रकरण आपको चल रहे हैं तो उसका भी तय समय सीमा में जो है वो निराकरण कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। राजस्व अभियान का जरूर लाभ उठाएं। पीएम किसान निधि या जो भी आपके प्रकरण चल रहे हैं उसका निराकरण जल्द से जल्द हो जाएगा 15 दिसंबर से पहले पहले। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।